थाना खुल्दाबाद के अटाला क्षेत्र में कल एक लूट की घटना प्रकाश में आई। पुलिस को सूचना मिली कि शाम को दो लड़के जो कि बाइक पर सवार थे, एक लेडी का पर्स छीना ई रिक्शा में जाते थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने इस घटना को चैलेंज के रूप में लिया और मुखबिरों से और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से दोनों लड़कों को करेली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। करेली क्षेत्र से ही उनके घर से माल लूट के माल की बरामदगी हुई, जिसमें कि कैश, कुछ मोबाइल फोन्स और कुछ जेवर शामिल हैं। जांच के उपरांत पता चला कि यह पूरा गिरोह है और इस तरीके की घटनाओं को पहले भी यहीं पर प्रयागराज के दूसरे थाने क्षेत्रों में अंजाम दे चुके हैं। जांच अभी भी प्रचलित है और पुलिस को इस गिरोह के दूसरे मेंबर्स का भी पता लग रहा है और चोरी के सामान का क्रय विक्रय जो किया जाता है उसके बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना खुल्दाबाद के अटाला क्षेत्र में कल एक लूट की घटना प्रकाश में आई। पुलिस को सूचना मिली कि शाम को दो लड़के जो कि बाइक पर सवार थे, एक लेडी का पर्स छीना ई रिक्शा में जाते हुए। सूचना मिलते ही पुलिस ने इस घटना को चैलेंज के रूप में लिया और मुखबिरों से और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से दोनों लड़कों को करेली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। करेली क्षेत्र से ही उनके घर से माल लूट के माल की बरामदगी हुई, जिसमें कि कैश, कुछ मोबाइल फोन्स और कुछ जेवर शामिल हैं। जांच के उपरांत पता चला कि यह पूरा गिरोह है और इस तरीके की घटनाओं को पहले भी यहीं पर प्रयागराज के दूसरे थाने क्षेत्रों में अंजाम दे चुके हैं। जांच अभी भी प्रचलित है और पुलिस को इस गिरोह के दूसरे मेंबर्स का भी पता लग रहा है और चोरी के सामान का क्रय विक्रय जो किया जाता है उसके बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है।